बच्चों को सबको गाजर लटकाई जाती है ना कि 10th कर लो उसके बाद लाइफ सेट है, तो मुझे भी ऐसी एक गाजर लटकाई गई। आई वॉज वन ऑफ दोज के जो रैंक चेज नहीं कर रहा था, जो दिवाली पे टॉयलेट में बम भी फोड़ रहा था और बहुत सारी टीचर से इसलिए बच जाता था क्योंकि एकेडमिक स्कोरर है। माई जील एंड पैशन वॉज जेन्युइनली टू लर्न। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और स्वागत है आपका इस सीरीज के अगले पार्ट के अंदर। और आज हमारे साथ में एक और B2B कंपनी के फाउंडर, और आज आपको ये बताएंगे किस तरीके से आप B2B कंपनी को अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। Hi, this is Ashish Tulsian. I'm the founder of a company called Posist. We are a restaurant technology company. We sell point-of-sale solutions, billing softwares, and restaurant management systems. Currently, work with 9,000 restaurants spread across 100 cities in India and 30 countries outside. Great. तो सबसे पहले मुझे आप ये बताओ, ये शुरुआत कैसे करी आपने बिजनेस की? बिजनेस की शुरुआत आई थिंक मैं कोशिश कर रहा था 7th, 8th, 9th क्लास से। मैं 2000 में 10th क्लास में था और मैं yahoo.com का कंपेटिटर बनाना चाहता था। मैंने अपना पहला डोमेन नेम बुक किया youthhungama.com, एंड उसका मेजर रीज़न ये था दैट आई वांटेड टू डू समथिंग ऑफ माय ओन एंड दैट्स इट। सो एंड दीज आर नॉट द टाइम्स जब वो एंटरप्रेन्योरशिप कूल है या स्टार्टअप कूल है, ऐसा कुछ नहीं है। दिस वाज नॉट द कूलनेस, प्रॉबेबली देयर वाज समथिंग इंट्रिंसिक व्हेन आई लुक बैक। I wanted something which was of my own, which was I was always high ownership. ये सब hindsight wisdom है। जिस समय हो रहा था तो तब तो adrenaline था कि बस कुछ अपना करना है। And my parents talked me into, उन्होंने मेरे पे invest किया, उन्होंने मेरे को domain name दिलवाया, web space दिलवाया। And if I, अगर मैं बताऊँ आज की डेट में domain name कितने का आता है, 200 रुपये से स्टार्ट, 500 रुपये at max। year 2000 में डोमेन नेम बुक करने के लिए आपको यूएस में नेटवर्क सॉल्यूशंस नाम की सिर्फ एक कंपनी थी, वहाँ से डोमेन बुक करना पड़ता था। एंड यू हैड टू पे देम इन डॉलर्स, यू हैड टू पे देम थ्रू एन इंटरमीडियरी। एंड उस समय डोमेन था 8,000 रुपीज़ पर ईयर। एंड मुझे याद है मैंने पहला वेब स्पेस जो खरीदा था वो खरीदा था 16,000 रुपीज़ पर ईयर का 32 MB वेब स्पेस। सो मेरे पेरेंट्स ने वो इन्वेस्ट किया सो दैट आई कैन do what I wanted to do with it. But उसके साथ साथ उन्होंने मुझे convince किया कि यार now that we have invested in you, that means we are on your side. Now you have to listen to us. And 9th और 10th, फिर वो बच्चों को सबको गाजर लटकाई जाती है ना कि 10th कर लो उसके बाद लाइफ सेट है, तो मुझे भी ऐसी एक गाजर लटकाई गई। मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे पेरेंट्स ने 32,000 इन्वेस्ट कर दिए थे मेरे एक बार कहने पर, जिसका गिल्ट मुझे आज तक है वेन आई लुक बैक। बट तो मैंने भी फिर वो 10th की पढ़ाई शुरू हो गई। एंड देन यू गेट इनटू दैट रोलर कोस्टर। 11, 12 यू आर लाइक, एटलीस्ट आई हैड माई ब्लाइंडर्स ऑन। आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो एंड बूम, लाइक 3 years आई फाउंड माई सेल्फ इन फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। एंड उसके बाद दोबारा से आई री स्टार्टेड दैट एंड आई स्टार्टेड वंडरिंग कि अब क्या कर सकते हैं, नाउ दैट आई एम फ्री, नाउ आई हैव द न्यू फाउंड फ्रीडम। सो उस टाइम वो बंद कर दिया था। So that never happened, right? Youthhungama.com, that domain and that web space became my testing ground. That became my toy. So मैं coding start कर दी. I started developing websites for myself. Started hosting pages. So that became my hacking ground. और आपके parents का background क्या? My parents, so I come from a very interesting mix of business and service family. So my family has a traditional business, and then my dad, he was academically brilliant. He went to SRCC. He wrote a couple of books in commerce and tax. तो वो बाहर आए और उन्होंने he started. He is a professor in Delhi University and a very active stock market investor. So you see him on TV a lot of times. He's a stock market champ. And at the same time, by passion, he's a teacher. So Dr. R P Tulsian. And so मैं अपनी family का अकेला engineer हूँ, बाकी सब लोग it's a typical Marwari family. Everybody is a commerce, CA, finance champ. लेकिन 2000 के अंदर अपने बच्चे पे 32,000 रुपये लगाना बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा था। हाँ, but I think मुझे ऐसा लगता है कि I was privileged, जिसमें मेरा तो कोई योगदान नहीं है, क्योंकि I also got hold of computers. Back in 93, so I was in 3rd class when I got my first computer. So I think this is too much privilege. My genuine hope is that we have at least made some value, turn some value out of that privilege. I really hope to make further get some value out of it. ठीक है, उसके बाद कॉलेज चले गए फिर? फिर कॉलेज चले गया यार। कॉलेज में जब एंटर हुआ तो आईआईटी जेई का भूत होता है सबको, मुझे भी था। 11th 12th में बहुत जम के तैयारी की। एंड आई वाज अ गुड एकेडमिक स्कोरर। मैं आई वाज वन ऑफ दोज किड्स जो रैंक चेज नहीं कर रहा था। दिस में साउंड रियली पॉम्पस बाय द वे, बट मैं रैंक चेज नहीं करता था, बट आई वाज ऑलवेज अ टॉप 3 सॉर्ट ऑफ रैंकर। एंड मैं वो भी था जो एक्स्ट्रा करिकुलर भी कर रहा था, जो दिवाली पे टॉयलेट में बम भी फोड़ रहा था और स्कूल में, और बहुत सारी टीचर्स से इसलिए बच जाता था क्योंकि एकेडमिक स्कोरर है। तो बेचारे जो मेरे साथ वाले होते थे उनको पेल दिया जाता था क्योंकि जिसके नंबर कम आएंगे सबसे पहले बम उस पर फुटेगा। बट एट द सेम टाइम जब मैं कॉलेज में आया तो मेरे लिए actually pehli defeat thi that I could not get into IIT, and I got a rank which was very very far behind. Interestingly, I was not really behind IIT's name. My zeal and passion was genuinely to learn. मैं डिस्कवरी चैनल लवर था। मेरे लिए इंजीनियरिंग कॉलेज था डिस्कवरी का कोई बहुत बड़ा लैब जिसके अंदर कुछ लोग कूल चीज़ें कर रहे हैं। तो आई वेंट टू IP यूनिवर्सिटी, भारतीय विद्यापीठ इन दिल्ली, and I entered the college believing that I'm going to drop this year, prepare next year, and will crack JEE again. And I was very very sure. मेरे सारे बहुत सारे दोस्त they cleared with good ranks and they got admitted. But वो पहले 6 महीने तो आपके पास कुछ ज़्यादा काम नहीं है कॉलेज में। तो मैंने बोला कि ठीक है, कॉलेज में 6 महीना मस्ती मारेंगे, क्योंकि 1 साल और ड्रॉप करने के लिए पढ़ने लायक अब कुछ नहीं है। मैंने 2 साल बहुत मेहनत की है, मुझे सब ऑलरेडी आता है। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में विल पुश द अनलॉक। एंड उस 6 महीना कॉलेज में बहुत मस्ती मारी, मतलब आई वॉज द सेंटर ऑफ ऑल द मिसचिफ। बट यार फिर मैं बोर हो गया। फिर मेरे को ऐसा लगा कि अगर अगले 4 साल ये कॉपी पेस्ट होने वाला है, हर सेमेस्टर में यही होने वाला है, तो ये तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। मतलब आई कैंट वेस्ट टाइम लाइक दिस। And second was that in these 6-8 months, because मेरे सब दोस्त NSIT, DC, few NIITs, IITs सब जगह थे, तो I also travelled to go and live with them in their hostels. And in like 6-8 months, I almost experienced every campus in India, which was like which I aspired to be in. And to my utter surprise, I realized कि यार ये तो same ही है, ये तो बस brand name का फर्क है, पर एक्चुअली ये भी कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, करिकुलम भी ऑलमोस्ट सेम ही है। सो आई गॉट रियली टर्नड ऑफ। एंड सेकेंड सेमेस्टर में जब मैं एंटर हुआ तो आई डिसाइडेड कि यार मैं ड्रॉप नहीं करूँगा, क्योंकि 1 ईयर इज़ टू मच टू वेस्ट। आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। आई आस्क्ड माय मॉम एंड डैड कि मैं ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ। उस दिन मुझे ज़िंदगी का काफ़ी बड़ा लेसन मिला। मैंने कभी अपने पेरेंट्स से ये पूछा ही नहीं कि क्या वो भी दुखी थे दैट आई वॉज नॉट इन IIT। वो नहीं थे। And my parents became extremely happy. They said, "Are you sure you're not going to drop?" I was confused. I thought कि यहाँ तो discussion होगा। तो my dad said कि देख यार, life का 1 साल बहुत important है, and जो करना है वो तुम्हें करना है। Degree और उसका brand name is not going to help you beyond your own talent. तो and you are in a decent college. If you were in a bad college, that would have been a different problem. You are in a decently good college. You are in a good facility. I think you can do well. Why do you even bother to drop any year? So that was a liberation day for me. This was February of 2004, and उसी समय I, immediately, I think internal instincts kicked back. I went back to my 9th, 10th grade time where I wanted to build something of my own. So my start of business or thinking about what to do started from that 2nd semester in college, and I started fishing people around me who were as ambitious or who were really thinking about it. So yeah, so that was the inception. I started my actual business in 3rd semester, which was my start of my 2nd year. ठीक है, फिर 3rd year में क्या शुरू किया? तो यार 3rd year actually 2nd semester में मैं लोग ढूंढता रहा, and टू माई सैडनेस, एंड आज का टाइम मेरे को लगता है कि बहुत अमेजिंग है, बिकॉज स्टार्टअप्स आर कूल एंड एवरी थिंग इज एंटरप्रेन्योरशिप इज कूल। बट आई थिंक मेरे अराउंड जितने भी लोग थे वो सब प्लेसमेंट लेना चाहते थे। उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो फाइल बनाना था, क्योंकि वो उसके 5 नंबर मिलेंगे और समथिंग लाइक दैट। एंड आई एम अनअपोलोजेटिक व्हेन आई से दैट। आई डोंट इवन आई मीन आई यूज्ड टू फाइंड इट एज लाउजी देन as I find it today. So it took me time to actually figure out my tribe, and I started looking for, मुझे मतलब अगर कोई भी मेरी एज का या मेरे से एक साल दो साल ऊपर नीचे कोई भी एम्बिशियस बच्चा मिलता था तो मैं आई यूज टू लैच ऑन टू देम. मेरे को लगता था कि यार तू तेरे साथ हैंग आउट करेंगे, ये बाकी सबके साथ नहीं बात करेंगे. सो थर्ड ईयर में माई अंडरस्टैंडिंग वॉज सिंपल दैट if I can write few lines of code and anybody can pay me whatever for it, if somebody can pay me 1,000 rupees for it, I will multiply it. I just need to know whether my code or whatever solution I give to someone that is worth the money. So third semester, second year mein, I got two of my friends together. In fact, funnily ये दोनों लोग मेरे first circle से नहीं आए. ये लोग दोस्तों के दोस्त थे और दोनों अलग अलग डायरेक्शन से आए थे. सो एक दोस्त का दोस्त ही वॉज अ गुड डेवलपर, एक दोस्त का दोस्त वॉज अ गुड डिज़ाइनर, एंड आई फिगर्ड दैट व्हाइल आई वाज गुड एट कोडिंग, आई वाज अ बेटर बिजनेस गाय, एंड दिस वाज फर्स्ट 6-7 months ऑफ दैट व्हिच मेड मी रियलाइज दैट. Because that guy who was the coder and the other guy who was a designer, they used to suck at talking. They used to suck at you know probably business thinking. So मैं pitch करने जाने लगा. मैं अपने स्कूल गया, उनको बोला कि यार आपके लिए वेबसाइट बनाते हैं. So we started fishing out people जिनके लिए हम वेबसाइट बना सकते हैं या कोई छोटा सा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं. और हमारे को एक अगेन किसी रेफरेंस से एक दोस्त का दोस्त था पीतमपुरा में, उसके वो चावल का ट्रेडर था, एंड अपेरेंटली उनका चावल ट्रेडिंग का काफ़ी सॉलिड बिजनेस था. सो उसने हमें बुलाया अपने घर, एंड उसने बोला कि यार, उसने होम ऑफिस बना रखा था छोटा सा, और उसने बोला कि यार हमारे को हमारा एक, आई डोंट रिमेंबर नाउ कि सोनीपत था पानीपत, यहाँ पे एक हमारा ऑफिस है, कहीं और एक ऑफिस है, ऐसे 4 ऑफिसेस थे, और इन 4 जगहों पे हमें बिल और ये परचेज ऑर्डर और ये सब करने होते हैं, एंड हमारा टैली वगैरह से अकाउंटिंग से काम नहीं चलता, तो हमें अकाउंटिंग सिस्टम नहीं चाहिए, बट काइंड ऑफ ये परचेज ऑर्डर और ये बिल मैनेजमेंट और ऐसा कुछ चाहिए, तो अगर तुम बना सकते हो तो हमने बोला हाँ कर देंगे. तो उसने अपनी औकात के हिसाब से बहुत ज़्यादा, हमने उससे 20,000 रुपये मांगे. उसने बोला कि आई विल पे यू 10,000 इफ़ द सॉफ्टवेयर वर्क्स फॉर अ मंथ, I'll pay you another 10. बोला कि that's a deal. And उसने हमें 5,000 रुपये एडवांस दिए, and that was the blood. You know, एक बार खून मुँह लग जाए तो. So we delivered that in a month. In that period we learnt a lot. और हमने वो deliver किया. उन्होंने हमें ना ही सिर्फ 10,000 रुपये जो ड्यू थे वो 1 महीने बाद दिए, हमें और बिजनेस दिया. तो 10-10 हज़ार रुपये के लाइसेंस हम उनकी फैमिली को बेचने लगे. ज़्यादा लंबा नहीं था, वो 4-5 लाइसेंस दिए, एंड दैट वाज डन बिकॉज दैट वाज बिल्ट फॉर देम, दैट वाज कस्टम. बट दिस टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स. वन, इट वैलिडेटेड दैट यू नो वट एवर आई एम डूइंग वर्क्स. टू, इट वैलिडेटेड कि अगर मैं किसी को सोल्यूशन दूंगा तो वो पैसे दे सकता है, इनफैक्ट वो ज़्यादा दे सकता है. 3, आई रियलाइज कि यार सर्विसेज नहीं करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे. ये सर्विसेज थी, क्योंकि यहाँ हमने सॉफ्टवेयर पूरा ग्राउंड अप बनाया और उसको दे दिया. दो इट वॉज अ वेरी स्मॉल एप्लीकेशन, बट अब अगर कोई नया क्लाइंट आएगा तो हमें दोबारा से स्क्रैच से स्टार्ट करना था. सो दैट वाज अनदर थिंग दैट आई सेड मैं सर्विसेज नहीं करूँगा, आई वुड लाइक टू आइडली डू अ प्रोडक्ट. बट ये सर्विसेज वाली जर्नी चालू रही, एंड बिकॉज कैपिटल वाज रिक्वायर्ड टू यू नो स्टार्ट समथिंग. सो दिस हैपेंड फॉर एन ईयर वेयर इस एक साल में हम लोग अलग अलग प्रोजेक्ट्स, जहाँ से जो कुछ मिल रहा था वो ले रहे थे, ऑनलाइन प्रोजेक्ट भी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, और जो भी पैसा आ रहा था उसको उससे समझने की कोशिश कर रहे थे कि हाउ टू री इन्वेस्ट इट बैक इन द राइट वे. सो थर्ड ईयर वॉज एक्चुअली, सो माई थर्ड ईयर वॉज 2005. दैट वॉज एक्चुअली द राइट ईयर व्हेन आई ट्रूली स्टार्टेड द बिजनेस. सो वी टुक एन ऑफिस व्हाइल इन कॉलेज, वी स्टार्टेड रिक्रूटिंग इंजीनियर्स. और कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे यार उस समय हम? पहले हम .NET और SQL सर्वर पे काम कर रहे थे, पर वहाँ पे भी थोड़ी सी फनी स्टोरी है. तो जो मेरा दोस्त था जो डेवलपर, जो यू नो ही वाज टेकिंग केयर ऑफ द टेक, एंड अर्लियर वी बोथ यूज्ड टू, बट मतलब इट वाज हिज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसने अपनी ज़िंदगी में कसम खा रखी थी कि मैं सॉफ्टवेयर कभी भी पायरेटेड नहीं लूँगा, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2003, 2004, 2005. इसने ईयर 2001 में ओरिजिनल विंडोज़ खरीदी थी. आपने शायद अपनी ज़िंदगी में विंडोज़ जिस तरीके से बॉक्स में आती है वो कभी देखी नहीं होगी। आई मीन उस समय तो फ्लॉपी डिस्क और सीडीज आती थी, बहुत ही बड़ा विंडोज़ का पैक्ड बॉक्स होता था। एंड विंडोज़ वाज यू नो गुड 24-25,000 रुपीज़ बैक इन 2001 एंड दैट वाज टू मच मनी फॉर 2001। 25,000 की विंडोज़ मुझे नहीं लगता आज भी कोई खरीदेगा, उस समय तो दैट वाज यू नो वे बियॉन्ड। सो दिस गाय बॉट दैट वाज द बेंचमार्क। तो इसने बोला कि अब वो जो .NET और उस सब का जो भी फ्री वर्जन आते थे विजुअल स्टूडियो, वो वहीं तक चल सकता था। जैसे ही हमें थोड़ी सी ज़्यादा एडवांस की ज़रूरत हुई, ही सेड कि यार मैं पायरेटेड पे काम नहीं करूँगा। तो हमने माइक्रोसॉफ्ट से सब देखा तो पता लगा कि वो द सॉफ्टवेयर विच ही वॉज आस्किंग फॉर, आई मे बी रॉन्ग विद माई नंबर्स टुडे बट इट वॉज 3.5 or 5 लाख। तो हमने बोला कि ये तो सवाल ही नहीं उठता, ये तो हो ही नहीं पाएगा। सो देन ही सेड कि ठीक है फिर हम ओपन सोर्स में काम करेंगे। एंड ओपन सोर्स वॉज नॉट रियली अगेन अ नोन थिंग। PHP was the PHP and MySQL is what I'm talking about, and so just to make sure that we don't use pirated stuff, we started using PHP, we started using MySQL, and I think we did that for almost 2.5 years. ठीक है, उसके बाद यार थर्ड ईयर पूरा हमने काफ़ी काम किया। इनफैक्ट we went really wild because दिल्ली में जब हम रिक्रूटमेंट करने की कोशिश कर रहे थे तो वो एक अलग ही नाइट में था। और ये ना बहुत इंटरेस्टिंग टाइम है आज की डेट में ना, पीपल आर वेरी, इट इज़ कूल इफ यू नो इफ समबडी हु इज़ वे टू यंग इज़ स्टार्टिंग अ बिजनेस, इफ इज़ ट्राइंग टू डू समथिंग, यू विल गिव इट कूल नेम्स, राइट? पीपल विल राइट CEO इन फ्रंट ऑफ देयर नेम वेरी वेरी हैप्पीली। ये वाला एरा वो है जहाँ पे अगर आपने किसी को बोल दिया कि आप अभी कॉलेज में हो तो वो आपको छुएगा भी नहीं। आप अपने कार्ड पे CEO लिखते हुए खुद ही एम्बेरस्ड हो, क्योंकि आपको तो अपनी शक्ल पता है ना। मतलब मेरे को याद है कि मैं किसी को CEO का कार्ड छपाना था, मैंने बोला कि यार ये आदमी बोलेगा कि अगर तुम CEO हो तो बाकी कंपनी कैसे दिखती है। सो यू नो दिस वाज द टाइम व्हेन स्टार्टअप्स इज नॉट द कूल, तो बहुत दूर की बात है। इन योर राइट स्टेट ऑफ माइंड यू आर डेफिनेटली नॉट डूइंग दिस। सो we are recruiting engineers, we are running this company, we are going to the office in the morning, we are you know reaching our college, respective colleges at like let's say 11 or 12 pm and then evening 5 we are back to office before you know छुट्टी होती है सबकी। and किसी को ये कानो कान खबर नहीं है in our team or in our staff that we are still in college। हाँ कभी नहीं है, कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी खुद की इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि आपने अभी एक इंजीनियर, आई रिमेंबर हमारा पहला रिक्रूट जो था, देयर वाज अ गाय हु एट दैट टाइम आई थिंक वाज 5 years सीनियर टू अस, और उसने BCA किया था, उसने MCA किया था और उसने शायद 1 साल उसके बाद जॉब की थी, तो उसका और हमारा गैप काफ़ी था। अब उसको अगर आप ये बता दोगे कि आप कॉलेज में हो, वो भाग जाएगा, और आपको तो वो पक्का भगा देगा, क्योंकि वो बोलेगा कि तू मेरे को मत सिखा। सो दिस वाज द टाइम, राइट? सो वी केप्ट ऑन डूइंग दैट एंड थैंक्स सोशल मीडिया वाज नॉट पावरफुल। ऑर्कुट वाज क्लोजेस्ट टू सोशल मीडिया, यू नो पीपल कुड गेट। तो वी कंटिन्यूड दैट एंड हमारा टारगेट ये था कि जो भी सर्विसेज से वी आर अर्निंग, वी आइडियली विल मेक अ प्रोडक्ट आउट ऑफ इट। सो वी स्टार्टेड टॉइंग विद प्रोडक्ट्स ऑन द साइड व्हाइल आवर सर्विसेज वाज गोइंग ऑन। एंड वन ऑफ द वाइल्ड थिंग्स वी डिड इन दैट टाइम वाज, हमने कोयम्बटूर में डेवलपमेंट सेंटर खोला दिल्ली के बाद। एंड मैं अपनी ज़िंदगी में कभी कोयम्बटूर नहीं गया था। वहाँ खोलने का रीज़न क्या था? वो भी एज आई सेड, ये बिल्कुल वाइल्ड रीज़न थे। तो हम दिल्ली में PHP के लिए डेवलपर्स रिक्रूट कर रहे थे, और दिल्ली में PHP का डेवलपर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मतलब टू द पॉइंट दैट अगर हम जॉब डिस्क्रिप्शन में PHP लिख देते थे तो रिक्रूटर्स के थ्रू, जिनके थ्रू हम लोग ला रहे थे, कोई अप्लाई नहीं करता था, कोई आता ही नहीं था। तो हमने फाइनली डिसाइड किया कि यार हम लोगों को सिखा लेंगे, .NET और जावा के लोग रिक्रूट कर लेते हैं। वो उनके लोग मिलते थे बिकॉज ये NIIT, Aptech और ये सब लोग जो है जावा और .NET वगैरह के कोर्स कराते थे। इंजीनियरिंग और BCA MCA में तो वो भी नहीं होता था। तो हमने 3-4 महीना स्ट्रगल किया, बट आफ्टर दैट वी गिव अप एंड आई स्टार्टेड सर्चिंग ऑनलाइन कि PHP के सबसे बढ़िया लोग कहाँ हैं, क्योंकि PHP के लोग या ओपन सोर्स के लोग सेल्फ टॉट लोग होंगे। सो फॉर सम वियर्ड रीजन, सो वन लोकेशन टर्न्ड आउट टू बी पुणे, सेकंड लोकेशन टर्न्ड आउट टू बी हैदराबाद, But Hyderabad did not have, had very costly people, because Hyderabad was, getting set up for IT jobs. So people were technically going there for high-paying jobs. Another name popped up, Coimbatore. And this was absolute random. मैंने एक thread पढ़ा जिसमें लिखा था कि यार Coimbatore is like the most underrated engineering hubs of India. It has maximum amount of engineering colleges present at one location. And if I give you a stat, back in 2005 or 6, Coimbatore had 265 engineering colleges, some number like that. I think iske baad pure India mein engineering colleges mushroomed, right? So I'm sure many might have taken over that number, but that stat just boggled my mind. And हमने देखा वहाँ पे PHP के बहुत सारे लोग थे, हमने एक job post डाला और बहुत सारे लोगों ने apply किया, तो हमें ये तो realize हो गया कि there is some magic happening there. And I was wild enough to say कि यार ठीक है ना, मतलब जहाँ होगा वहाँ करते हैं, अगर यहाँ नहीं हो रहा है तो. So I was still trying to find my luck, and on that forum only I found a guy who posted, and he was from Coimbatore. He posted that I want to, I have an idea for a gaming company. And I'm looking for people who can collaborate with me and invest some money. And again, this is not the time. ये angel investments वाला time नहीं है, हाँ. In fact, ये startup investment का ही time नहीं. Startup ही नहीं था उस time तो. कुछ ये बिल्कुल random post है जो किसी आदमी ने पता नहीं क्या सोच के डाल दी है, right? And और मैंने पढ़ी और मैंने उसको immediately respond किया. His name was Sarvannan Silvarajoo. And I responded and I said, और उसी समय मैं family के साथ, और हमारी बातचीत शुरू हो गई basically. तो मैं उससे पूछता रहा कि exactly तुम्हारा idea क्या है, और ये social media भी नहीं है, ये forum है जहाँ पे आपका सिर्फ नाम एक आपका ID है, and you are an absolute ghost. You can be anything in this world. So मेरा ID है some #ash_thefire. तो मैं उसी एक महीने बाद my mom and dad planned to take us to Andaman. And Andaman से जाने के लिए चेन्नई में stopover था. तो I told this guy that I will be visiting Chennai. And मैंने ऐसे ही फेंक दिया हवा में कि I may come to Coimbatore. I was just trying to bring some seriousness to the conversation. He said, "Oh wow, but I'm in Chennai." I said, "Okay, that's amazing. So मेरा stopover है, मैं इस hotel में हूँ. Why don't you come and present and pitch your plan?" And he also doesn't know that I am in college. He turned out to be a project manager in those days at Infosys, Chennai. He was at least 12 years senior to me. And he came along with a guardian of his. And he came to the hotel and he made a pitch. And I was this kid who was trying to not look like a kid. So this turned out very interesting. हमें उसका plan अच्छा लगा. उसने बोला कि मैं gaming का कुछ करना चाहता हूँ और मुझे resources चाहिए. I need developers to build this for me and I can lead that. And हमने उसको reverse offer दिया. हमने बोला you leave your job at Infosys, you shift, and he said I'm a native of Coimbatore. तो हमने बोला why don't you shift back to Coimbatore, live with family, we'll pay you the same salary as Infosys. And this was 9 lakhs annual. So we'll give you the same salary. You set up a development center for us in Coimbatore. For every 2 developers that you hire for us, 1 developer will give to you. So you hire 3, 1 for your gaming, 2 for our company. He agreed. And in next 3 months, this was all set up. He went back to Coimbatore. We paid him equivalent amount. And he started setting up. Now the game started. Because when we realized salaries, हमने उस समय उसको अब ज़्यादा पैसा हम उसी को दे चुके थे. हमारा बजट 2 लाख रुपए महीना था सब मिलाकर, और जिसमें से 75,000 तो इसकी सैलरी थी, 25,000 कुछ रेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसेस आ रहे थे. तो हमने इसको टारगेट दिया कि यार 1 लाख तक की रिक्रूटमेंट हो सकती है. पर हमने इस बारे में डिस्कशन नहीं किया कि 1 लाख रुपये में कितने इंजीनियर आएंगे. कभी कभी आपके लिए वो अनसेट होता है ना कि मतलब 15,000 का इंजीनियर आता है, दिस इज 2005, स्टार्टिंग सैलरी इतनी है, तो आपके दिमाग में चल रहा है कि आप 6 इंजीनियर्स का पैसा दे रहे हो. आफ्टर लाइक एवरी वीक वी यूज्ड टू हैड दीज कॉल्स. 2 हफ्ते बाद कॉल करके कहता है कि आई हैव ऑलरेडी गिवन ऑफर टू 15 इंजीनियर्स एंड 5 हैव जॉइंड टुडे एंड आई एम लाइनिंग अप अनदर 10. वी गॉट अ शॉक ऑफ आवर लाइफ. हमने बोला वो भाई इन्फोसिस नहीं है ये, और ये इनको पे कौन करेगा? शी सेड बट यू ओनली गिव द बजट ऑफ 1 लाख. हमने बोला वेट, आर यू टेलिंग अस दैट इन 1 लाख you recruited 15 engineers and you still have 5 more to go? He said yes. And I was like, how much is the salary? He said 5,000. This was a euphoria for us. We were jumping. And then हमें realize हुआ कि बिल्कुल ठीक बात है ना, Delhi में 15,000 मांग रहा है, कोयम्बटूर में opportunities नहीं है, कोयम्बटूर में रहने के लिए बच्चा compromise करने को तैयार है, वो चेन्नई जाएगा तो शायद वो 10-12 हज़ार रुपये लेना चाहता है, बट कोयम्बटूर में रह के वो कम पैसे ले सकता है. एंड दीज गाइज वर रियली रियली वर्किंग हार्ड. आई ऑल्सो गॉट अ ब्लेसिंग फ्रॉम किंगफिशर दैट ईयर. किंगफिशर ने 2006 में दिल्ली कोयम्बटूर दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट ऑन कर दी. अर्लियर इट वॉज दिल्ली टू चेन्नई एंड चेन्नई टू कोयम्बटूर, सो इट वॉज वेरी वेरी टायरिंग. तो फॉर नेक्स्ट 1 year माई रूटीन वॉज दैट एवरी फ्राइडे इवनिंग आई यूज टू टेक अ फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली गो टू कोयम्बटूर, एंड एवरी मंडे मॉर्निंग आई यूज टू कम बैक टू दिल्ली स्ट्रेट टू कॉलेज. तो इंजीनियरिंग पूरा यही है ऑलमोस्ट एक साल. ये ऑलमोस्ट थर्ड ईयर से लेकर 4th ईयर के स्टार्टिंग का पॉइंट था. दिस वाज द टाइम व्हेन वी मेड एनफ मनी टू पिवट आवरसेल्व्स फ्रॉम सर्विसेज टू प्रोडक्ट. सी हमारा सर्विसेज करने का सारा टारगेट ये था दैट कैन वी हैव एनफ मनी that we can invest in product, because product we could understand is a longer cycle. You need to keep investing at the back. आपको enough sales मिलेंगी तब आपके लिए revenue आएगा. Services is easier revenue, if not easy, right? आपने जो बोला मैंने आपके लिए बना के दिया, काम खत्म हो गया. Product बनाना is like making movie. आप पूरा साल बैठकर एक बंद डब्बे में मूवी बनाते हो, फिर आप फ्राइडे को रिलीज करते हो और ऑडियंस बता देती है कि चली या नहीं चली. So product is wild. सर्विसेज इज इजियर, राइट? आपने कहा मैंने बना दिया, जैसा चला वो आपका है, मेरा नहीं है. तो 99 एज फार एज सुन एज थिंग वर्क्स आई विल गेट पेड, सो यू वांटेड टू गेट अवे फ्रॉम दैट. तो यहाँ पे फंड्स कहाँ से आ रहे थे? अगर हम स्टार्टिंग की बात करके चले तो जब आप फर्स्ट सेकेंड ईयर में थे तो आपने ऐसे ही किसी का काम किया, दोस्त यारी में, ठीक है, उसके बाद कितना कमा रहे थे अगर हम मान के चले तो? आई थिंक बिफोर वी टुक एन ऑफिस, आई थिंक we did enough to collect around 5 to 7 lakhs in profits, in money which was unused, which we could invest back. Almost डेढ़ साल में एक नहीं, डेढ़ साल भी नहीं, this was 7-8 months. Okay. Yeah, this was second year. This was entire second year, but वो entire नहीं था ना, मतलब तब तो धीरे धीरे करके लोग ही ढूंढ रहे थे. अभी हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. Third year में when we started office, we had like some 5-7 lakhs worth of backing. Parents ने भी support किया. In fact, parents ने बहुत support किया. But we never took money from them. मेरे dad ने मुझे 10 लाख का एक check दिया था, which I proudly never cashed. उन्होंने check भी इसलिए लिखा था, जिस दिन मैंने office register की, जिस दिन office लिया, और जिस दिन वो rent agreement हो रहा था office का, that day my dad and mom realized कि okay, shit is real. You know, जब तक आप घर पे बैठ के कुछ कुछ कर रहे हो तो दे आर वेरी हैप्पी. दे माई पेरेंट्स हैव बीन वेरी वेरी एनकरेजिंग फॉर एवरीथिंग दैट आई डिड, थैंकफुली. बट जब ऑफिस लिया तो उनको पहली बार ऐसा लगा कि ओ शिट जस्ट गॉट रियल, लाइक बिकॉज माई मॉम वॉज हिस्टेरिकल कि अगर तू ऑफिस जाएगा तो कॉलेज कौन जाएगा, अगर तू कॉलेज जाएगा तो ऑफिस कौन देखेगा, हु विल मॉनिटर, हु विल. तो उनको कहीं ना कहीं, तो आई थिंक मेरे डैड ने मेरे को वो जो 10 लाख रुपए दिए थे वो ये सोच के नहीं दिए थे दैट आई नीड इट. इफ आई गेट इट करेक्टली, उन्होंने ये सोच के दिए थे दैट देयर इज अ वेरी हाई चांस कि मैं ये ऑफिस खोल रहा हूं और मैं लोग रख रहा हूं, आई एम गोइंग टू मेक अ लॉस. सो ही डिड नॉट वांट मी टू गेट स्ट्रेस्ड फॉर द लॉस, सो ही गेव मी दैट चेक बिलीविंग कि यार लॉस हो जाए तो डरियो नहीं, मतलब यू हैव दिस बैकिंग. In all honesty, that is a gesture which I don't know how to pay back my dad for, because that gesture was not about money, and or ऐसा नहीं है. See, we come from a regular middle class background wherein life was always good, but ऐसा भी नहीं है that money was flying and इतना पैसा बरस रहा था कि 10 लाख का चेक दे दिया एंड यू डोंट बॉदर. अभी आपने ही बताया ना कि आपके पापा इन्वेस्टर है, तो उन्होंने आप में इन्वेस्ट किया, उनको दिखाई दिया पोटेंशियल, उन्होंने इन्वेस्ट किया. नहीं, absolutely. See, today when I, what I'm only saying is that my gratitude towards that event is way too much that I could define, because I don't even know from where did he get so much confidence or stupidity to do that. Like if somebody asks me to do that, I'm not too sure if I will be able to do it the way he did, because he literally gave me that check and, you know, had me off hooks. He was not really checking on me, or he was not managing this at all. So anyway, but all's well that ends well. So हमने I think जब हमने office start किया तो हमारे लिए भी this became like the first time when we had overheads, when we had a target to make money, right? We had a target to pay salaries and we had a target to make expenses. I think in first year we did a turnover of 40-45 lakhs. That was कितने employees थे उस टाइम पे? ज़्यादा नहीं थे यार. I think at in that time we had 5 people. और क्या registered company करा रखी थी क्या? Registered company. We registered a company. We registered a हमने private limited company तो second year में register करा ली थी. हाँ हाँ हाँ. जब second client से पैसा आया, ये चावल वाले साहब से जब पैसा लिया था तब नहीं. इनसे तो कैश और पर्सनल नाम का चेक ले लिया था. बट सेकंड क्लाइंट से पहले वी रजिस्टर्ड अ कंपनी, क्योंकि अब हमारा कॉन्फिडेंस एकदम सोरिंग हाई था ना. ये एक सॉफ्टवेयर देने के बाद तो हमें लगा कि हम कर लेंगे. सैलरी निकाल रहे थे हम, सैलरी ले नहीं रहे थे. सैलरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था यार. मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड वी वर स्टिल किड्स इन सेकंड एंड थर्ड ईयर. अपने खर्चों के लिए पैसे निकाल रहे थे. हाँ हाँ हाँ, खर्च रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल. एड्रेनलिन वाज हाई. आई वाज वेरी हैप्पी टू बाय माय ओन कार एट 19. और उसमें भी मेरा वो था कि अकड़ थी कि वो वाली लूंगा जो मेरे पैसे में आएगी. आप कमाई सानू बाप ने देती. हाँ, तो मैंने तो डैड ने बोला कि आई एम ऑलरेडी प्राउड ऑफ यू दैट यू आर बाइंग योर ओन कार, बट टेक मोर मनी एंड प्रॉब्ली गेट अ बेटर वन. हम कंट्रीब्यूट कर देते हैं. ऐसे नहीं, वही वाली लेंगे जिसका लोन मिलेगा. हाँ, और जिसका लोन नहीं मिलेगा, सपोज अगर उन्होंने बोल दिया कि योर ITR इज नॉट देयर और व्हाटएवर, बिकॉज इट वाजंट देयर, बिकॉज वो 3 साल की ITR मांगते हैं ना. मैं तो 3 साल काम ही नहीं करते हुए थे, तो ITR कैसे होगी. तो दे मेड बैंक फाइनली मेड माय डैड गारंटर ऑन दैट. दैट्स हाउ यू गेट द लोन. बट आई डिड नॉट. सो आई बॉट एन इंडिका टू मेक श्योर दैट इट कम्स विद इन माई मनी. तो वो सब था, अपने पैसे वैसे निकाल रहे थे. बट आवर टारगेट वाज नॉट सैलरी, आवर मोटिवेशन वाज नॉट सैलरी. व्हेन आई लुक बैक, आई डोंट इवन रिमेंबर दैट वी इवन थॉट दैट हमें सैलरी लेनी है. हम तो वैसे वाला ड्रॉ कर रहे थे कि जिसको जो लेना है वो ड्रॉ कर लेता था. बट वी यूज्ड टू जस्ट डू इट इक्वल. और इक्विटी 33% थी सबकी यार. इक्विटी वगैरह के बारे में भी हम ज्यादा नहीं सोच रहे थे. जब रजिस्टर कराई थी कंपनी उस टाइम तो बांटा होगा. उस समय इक्वल था. पर हम अगेन हम वैल्यूएशन, इक्विटी, शेयर्स, इन सब के बारे में नहीं सोच रहे थे. पर हमारे कुछ चीजें क्लियर थी. जैसे इट वाज मी हु वाज द एंकर एंड द ड्राइवर ऑफ इट. सो आई हैड द वीटो. बिटवीन अस इट वाज वेरी 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 कॉर्डियल एंड नाइस. वी म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाज प्रीटी हाई. अदरवाइज आप ये कर नहीं सकते हो. ये बातें तब की चल रही है, मैं सबको बता रहा हूँ, कि जिस टाइम ये स्टार्टअप वर्ड्स नहीं थे, इक्विटी के बारे में नहीं पता होता था, इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पता होता था. एक तरह से आप एंजल इन्वेस्टर भी बन गए. और ये भी आप अभी कॉलेज के ही लड़के हो. हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 100%. उसके बाद कॉलेज कंप्लीट हुआ. I'll answer every bloody question which you want to know about Posist. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तेरे को क्या एडवाइस दूंगा, मैं तेरे को क्या सीक्रेट बता दूंगा. बिजनेस में सब कुछ एग्जीक्यूशन. हमारे पास आइए, अपनी प्रॉपर्टी बेचिए, कमीशन बचाइए. और हम ना वो एड्रेनलिन रश पे चल रहे थे. और हम बेवकूफ भी थे. कल कोई प्रोडक्ट नहीं चला तो मेरा नुकसान हो जाएगा.